Hello dear students, at present we are facing the problem of lockdown, but in this situation we have to stay at home as well as you have to continue your study journey through online classes. Today I am going to explain the poem The Tributy. I hope you will enjoy it today. Friends, how are you? In the last video, we explained the poem Character of a Happy Life. Today, we are going to explain the poem The Tribute, which is a interesting poem, composed by Sir Thomas Gay. Before to explain the poem, I would like to tell you something about the central idea of the poem. What is the essence of the poem, which is very important to understand before the explanation. Students, in this poem, the poet wants to differentiate the real beauty and the beauty which is not real, or we can say the beauty which is temporary or the beauty which is permanent. Sthayi sundarta aur asthayi sundarta. और आसानी आपको द पोएट सेज दैट फिजिकल ब्यूटी इज टेम्पररी, शरीर की सुंदरता स्थायी है. जैसे जैसे समय बढ़ता है शरीर की सुंदरता कम होती चली जाती है. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी beauty of character, the beauty of intelligence, the beauty of great thoughts, vicharon ki sundarta, bhavnaon ki sundarta, ya charitra ki sundarta, jo shayad sabse zaruri hai, important hai. This beauty is permanent. Ye jo sundarta hai, ye kabhi bhi samapt nahi hogi. हम ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है लता मंगेशकर जी का. आज 90 प्लस की एज है उनकी, लेकिन उनके प्रति लोगों का जो प्रेम है, आदर है, स्नेह है, वो अब तक बरकरार है. दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ हर फिजिकल ब्यूटी, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ हर टैलेंट. I personally feel this is a very specific example about the tribute. Now we can better explain the poem. The first stanza. He that loves a rosy cheek or coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time make these decay, so his flames must waste away. In this first stanza, the poet says that a person who loves physical beauty, कोई व्यक्ति जो शारीरिक सुंदरता से प्रेम करता है, जैसे कि rosy cheeks, गुलाब जैसे खूबसूरत गाल, coral lip, मूंगे के जैसे लाल होंठ, उनकी admires करता है, प्रशंसा करता है, and star-like eyes, तारों जैसी चमकती हुई आंखों के प्रति आसक्त है. एंड फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, और इन चीजों में वो अपने प्रेम का ईंधन तलाशता है. एज ओल्ड टाइम मेक दिस डिके, जैसे यह समय बीतेगा, बिकॉज ये फिजिकल ब्यूटी समय के साथ कम होगी, आखिर में जाकर खत्म होगी, तो इसके प्रति जो प्रेम है वो भी स्थायी नहीं रह सकता. द सेकंड स्टैंजा, बट आई स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर. This is the real beauty. A smooth and steadfast mind. एक ऐसा मस्तिष्क
जो दृढ़ है, स्मूथ है, ब्राइट है, जेंटल थॉट्स, अच्छे विचार हैं, काम डिजायर्स, शांत इच्छाएं हैं, हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, मींस एक ऐसा हृदय जो इन सब चीजों को साथ लेकर चल रहा है, जिसमें अच्छे विचार हैं, अच्छी भावनाएं हैं, लोगों के प्रति प्रेम है, आदर है, श्रद्धा है, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, ऐसे सुंदरता के प्रति जो प्रेम होगा उसकी आसक्ति कभी समाप्त नहीं होगी। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चीक्स लिप्स आईज। फाइनली द पोएट सेज, जहां पर ये सब नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, अच्छी भावनाएं नहीं है, अच्छा चरित्र नहीं है, वहां पर फिजिकल ब्यूटी, चाहे वो फिर रोजी चीक हो, लवली लिप्स हो, या स्टार लाइक आईज हो, द पोएट डजंट लाइक ऑल दीज थिंग्स। कभी कहता है हाँ, इस शारीरिक सुंदरता का कोई मोल नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल ब्यूटी एंड द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर। फिजिकल ब्यूटी इज टेम्पररी एंड द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर इज परमानेंट। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज इसे शेयर करिए अपने और साथियों के साथ, लाइक करिए, इससे हम और आगे से अधिक आपकी सहायता कर सकें इस ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।